सौरभ जी नमस्ते। आपने इतनी कम उम्र में ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, कैसे और कब आपका ये मिशन शुरू हुआ? सर 2015 में मैंने शूटिंग अपना स्टार्ट किया था। हमारे पास के गांव में ही एक शूटिंग एकेडमी है, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने खुद ही कहा कि जब तुझे इतना पसंद है तो ट्राई करना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे करते गया और जैसे जैसे धीरे धीरे करते गए, ऐसे ऐसे रिजल्ट अच्छा आता गया। और रिजल्ट अच्छे आते गए, भारत सरकार हमारी मदद करती गई, तो आज हम यहाँ पर हैं सर। देखिए, आपके परिवारजन भी बड़े गर्व के साथ आज हम मुझे दर्शन हो रहे हैं उनके भी, कि भाई देखिए सौरभ क्या कमाल करेगा। सब उनकी आंखों में बड़ा बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं। देखिए सौरभ, मेहनत के साथ साथ शूटिंग में मानसिक एकाग्रता की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए जी आप योग वगैरह करते हैं या कुछ और तरीका आपका है, जो मुझे भी जानने में खुशी हो और देश के नौजवानों को भी जानने में खुशी होगी? सर मेडिटेशन करते हैं, अपना योगा करते हैं सुबह। और सर शांत रहने के लिए ये तो हमें आपसे जानना चाहिए कि आप इतने बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान को संभाल रहे हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? अच्छा सौरभ, ये बताइए, आपके दोस्त, आपके साथी आपके पास आते हैं कि आपके साथ सेल्फी क्लिक करनी है, तो आपको क्या लगता है, पहले तो नहीं हाँ करते जी, जब होंगे? मैं नहीं जब मैं घर पर जाता हूँ तो हमारे गांव में पड़ोस में मेरे जो दोस्त है वो आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं, मेरे जो पिस्टल है उसके साथ सेल्फी लेते हैं, काफी अच्छा लगता है। देखिए सौरभ, मेरी बातों से लग रहा है कि आप बहुत ही फोकस है, जो आप जैसे युवा के लिए बहुत अच्छी बात है। शूटिंग में भी इसी फोकस और स्थिरता की जरूरत है। आपको तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है, देश के लिए कई मुकाम हासिल करने हैं। हम सभी को विश्वास है कि आप ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में भी बहुत आगे आएंगे। आपको और आपके परिवारजनों को मेरा प्रणाम।